हे दोस्तों, आज मैं आपको 7 पावरफुल हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक दोस्त की छोटी सी हैबिट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो दूसरों की नेगेटिव हैबिट्स को देख काफी परेशान हो जाता है। वो एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है और वो इन सब के बारे में घंटों घंटों दोस्तों से कंप्लेन करता रहता है कि ये देखो लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। द अल्टीमेट थिंग इज वो ऐसी बातों पे फोकस करता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे लोग को ऑथर स्टीफन रिएक्टिव पीपल बोलते हैं, लेकिन वही प्रोएक्टिव पीपल वहाँ फोकस करते हैं जहाँ वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि एक प्रोएक्टिव पर्सन का एक बिजनेस है जहाँ वो अपने प्रोडक्ट बेचता है, तो इस पर फोकस करने के बजाय कि लोग इन दिनों अच्छे प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बोलते, वो प्रोएक्टिव बिजनेसमैन फोकस करता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ ताकि मेरे कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदे बिना ना रह सके। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा क्यों सोचते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बजाय उन चीजों पे फोकस करने को जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये थी द हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अब हम बात करेंगे हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। नाउ इमेजिन करो कि आप एक फ्यूनरल में गए हो जो कि उन सभी फ्यूनरल से अलग है जिनमें आप कभी गए हो। आप एक ताबूत के सामने खड़े हो और उस ताबूत में आप खुद को देखते हो। अब आपको अपने बारे में क्या कहना है? क्या आप अपने जीवन में वे चीजें कर पाए जो एक्चुअल में आप करना चाहते थे? क्या आप कहना चाहते हैं कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर थे? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं जिसने सोसाइटी में वैल्यू ऐड किया हो? अगर ऐसा है तो क्या आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो आपको ये कहना अलाउ करे कि आपने सोसाइटी में वैल्यू ऐड किया है, या फिर फेलियर के डर से आपने कंफर्ट जोन को चूज कर लिया और मेडियोकर बनने का डिसीजन ले लिया? तो अगर हम इस क्वेश्चन को खुद से पूछे तो हमें ये पता चलता है कि लगभग सभी लोगों को अपनी लाइफ रीएडजस्ट करने की जरूरत है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अगर अब मैं आपसे पूछूं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं, जवाब में जो सबसे कॉमन आंसर मिलेंगे वे होंगे या तो आपके वेलबींग, या आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपका लाइफ पार्टनर या आपके बच्चे। शायद आप कभी नहीं कहोगे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करना, टीवी देखना, मोबाइल फोन चलाना, लेकिन सच तो यह है कि हम में से अधिकतर लोग न्यूट्रिशन प्लानिंग, जिम जाने में और एक हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट बनाने से ज़्यादा समय डॉक्यूमेंट्स, पेपर ऑर्गेनाइज करना, टीवी देखना या मोबाइल देखने में बिता देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कहते हैं और जो चीज़ हम एक्चुअल में करते हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। सो इसलिए ऑथर स्टीफन बोलते हैं हैबिट नंबर 3 फॉलो करने के लिए, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नाउ हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन सिचुएशन। नाउ आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप और मैं यूट्यूबर्स हैं और हम नॉलेजफुल एंड वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हैं और हम दोनों के ही पास एक एक मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कहीं से मुझे आपके चैनल के बारे में पता चलता है और मैं आपके वीडियोस को देखता हूँ। मुझे आपका कंटेंट काफ़ी पसंद आता है और मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना आपके वीडियोस को मेरे व्यूवर्स को रेकमेंड किया जाए, और मैं इस डिसीजन से आपके थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़वा देता हूँ। फिर ये चीज आप नोटिस करते हो कि ये बंदा है कौन, और आप मेरी वीडियोस देखते हो और आपको मेरी वीडियोस काफी पसंद आती हैं और आप मेरे चैनल को प्रमोट करते हो जिससे आपके व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हुआ। वहीं आप इमेजिन करो कि अगर मैं एक फेक यूट्यूब अकाउंट बनाता और आपके वीडियोस पे हेटफुल कमेंट करता, डिसलाइक करता, तो क्या होता? शायद ना के बराबर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता। ये एग्जांपल है लूज विन सिचुएशन का। सो इसीलिए ऑथर स्टीफन बोलते हैं हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन फॉलो करने के लिए ताकि सभी लोगों की जीत हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नाउ आप इमेजिन करो
कि आप एक आंख के डॉक्टर के पास जाते हो और आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट करते हो, तभी डॉक्टर अपना चश्मा निकालता है और आपको पहना देता है और पूछता है क्या अब आपको सही दिख रहा है, तो आप जवाब देते हो नहीं, तो डॉक्टर फिर बोलता है सर थोड़ा आप इसको पॉजिटिवली वे में लो और इसको पहन को देखो और फिर बताओ, अगेन आपका जवाब होता है नहीं। नाउ आप मुझे ये बताओ कि अगली बार अगर आपको किसी आंख के डॉक्टर के पास जाना हो तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अगेन उस डॉक्टर के पास जाओगे? मेरे हिसाब से ना के बराबर। ठीक इसी तरह जब हमें कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो बजाय उसकी प्रॉब्लम सही से सुनने के हम उसको सॉल्यूशन देने लगते हैं या फिर उससे बहस करने लग जाते हैं। वहीं अगर हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो हमें ये लगता है कि कोई हमारी फीलिंग नहीं समझ रहा। अधिकतर बार हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बजाय यह सोचने कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है। नाउ हैबिट नंबर 6, सिनर्जी, मतलब तालमेल। आप इमेजिन करो कि एक एप्पल का पेड़ है जिसपे बहुत से एप्पल हैं, मगर एप्पल थोड़ी थोड़ी हाइट पे हैं। उस एप्पल के पेड़ के पास दो आदमी आते हैं और एप्पल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो तोड़ नहीं पाते। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी दूसरे आदमी के कंधे पर चढ़ता है और बड़ी आसानी से एप्पल को तोड़ लेता है और दोनों आदमी आपस में एप्पल को बांट लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सिनर्जी। ये पॉसिबल हो पाता है केवल उन दोनों आदमी के तालमेल से। कहा जाता है ना, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। लेकिन हमें ये मानना होगा कि सिनर्जी यानी तालमेल सबके साथ पॉजिटिवली वर्क नहीं करती है, लेकिन हमें हर जगह सिनर्जिस्टिक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक बार एक आदमी एक पेड़ को घंटों से काटने में लगा होता है। उसका एक पड़ोसी उसे काफी देर से देख रहा होता है। वो पड़ोसी उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है अगर तुम आरी को तेज करोगे तो इस पेड़ को तुम तेजी से काट पाओगे। तो वो पेड़ काटने वाला आदमी जवाब देता है, लेकिन आरी तेज करने में तो समय लगेगा, जबकि अभी मैं पेड़ काटने में व्यस्त हूँ। ये कहानी सुनकर आपको उस पेड़ काटने वाले आदमी पर हंसी आ रही होगी, लेकिन अगर हम देखें तो हम सभी यही काम कर रहे हैं। दिन में हम 30 मिनट नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज करने के लिए ताकि हम फिट रह सके। हम 15 मिनट बुक नहीं पढ़ सकते ताकि हम मेंटली और सोशली स्ट्रांग हो सके। नहीं, इन चीजों में तो बहुत टाइम लगता है। और फिर हम अफेक्टिव होने के बारे में छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पूछते हैं, जो कि ऑथर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है। तो ये थी हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। ये 7 पावरफुल हैबिट्स मैंने स्टीफन कोवे के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टिव पीपल से बताई है। अगर आप इन हैबिट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक परचेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हिस्सा बने हमारे मिशन बुक रीडिंग इंडिया का। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।